हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो गाइज, सुबह सुबह नहा के बैठी हूँ। सुबह सुबह मतलब नहीं, 12 बज रहा है, मतलब कल वो रूम बहुत गंदा हुआ था, उसको साफ करते करते दिन भर मेरा चला गया। संडे ऐसे ही वेस्ट हो गया और हाथ में भी बहुत पेन होता है, पता नहीं क्यों होता है। तो गाइस, अभी जो है मैं आज आप लोग को एक प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ, वो है वाटर सॉफ्टनर। वो केंट का था वाटर सॉफ्टनर, मतलब कोलकाता का पानी इतना अच्छा नहीं होता है, जिसमें क्या होता है ना, हेयर फॉल होता है। तो आप भी देख सकते होंगे, मतलब बहुत सारा वीडियो में मेरा यहाँ पे कितना हेयर फॉल, मतलब ये स्किन दिख रहा है ना, बहुत हेयर फॉल होता है। स्पेशली अभी जो है विंटर में क्या होता है, डैंड्रफ होता है, उसके वजह से ज़्यादा ही हेयर फॉल होता है। बट भगवान के कृपा से पता नहीं, दो तीन महीना से मेरा वाटर फॉल बहुत कम हो गया है, नहीं बोलूँगी फिर होने लगेगा। तो हम लोग का आई थिंक, हाँ, एक साल से केंट का जो वाटर सॉफ्टनर लगा हुआ है, और वो जो वीडियो है मैं एक साल पहले बना के रखी थी। तो आज वाटर सॉफ्टनर का जो है रिव्यू देने वाली हूँ, और अनबॉक्सिंग का वीडियो भी अपलोड करूँगी। इसमें कुछ नहीं होता है, अगर आप लोग लेना चाहेंगे, मैं तो फ्लिपकार्ट से अमेज़न से ली थी, अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जो है वो वाटर सॉफ्टनर केंट का होता है। अभी भी मैं आप लोग को दिखा दूंगी, यहाँ पे हम लोग का लगा हुआ है। यहाँ पे जो है लगा हुआ है ये वाला वाटर सॉफ्टनर है, लिखा भी हुआ है केंट वाटर सॉफ्टनर। तो ये वाला जो है हम लोग का एक साल से लगा हुआ है, और उसके पास में जो है वो तो गीजर है ये वाला जो है, और पानी जो आता है गीज़र का टैप में, वो पानी आता है जिसमें गीज़र का पानी आता है उसके साथ कनेक्टेड है, तो उसमें पानी आता है। तो मतलब उसको ये करने का बाद हेयर फॉल जो कंट्रोल बहुत हो गया है यूज़ करने का बाद, उसका रिज़ल्ट अगर आप यूज़ करते हैं कुछ दिन, ऐसा नहीं कि इंस्टांटली पता चल गया, इंस्टांटली ये पता चलता है। अगर आप नॉर्मल पानी में हेयर वॉश करते हैं तो आपका हेयर थोड़ा अजब सा हो जाता है, जैसे मतलब हम लोग रेगुलर एक नॉर्मल पानी से वॉश कर रहे थे, जब जिस दिन लगा था केंट का वाटर सॉफ्टनर, तो वो पानी में यूज़ करने का बाद बहुत डिफरेंस जो था उस दिन पता चला था, कि मतलब हेयर जो है पूरा स्मूथ लगने लगा। और जो है इसमें आपको इसका थोड़ा मेंटेनेंस है, जैसे आप कैसे यूज़ कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। हम लोग का जैसे चार जन रहते हैं, और अभी तो गीज़र लगा हुआ है, वही टैप में आता है, उसके वजह से क्या होता है, ठंडा दिन में गीज़र का पानी तो ज़रूरत होता है। आपको एटलीस्ट 3 वीक में एक बार जो है उसको सॉल्ट में, पानी में सॉल्ट डाल के उसमें दिया जाता है। तो वो वीडियो भी मैं एक दिन बना दूँगी। हम लोग का भी 1 महीना 1.5 महीना से अभी वो नहीं हुआ है, तो उसमें सॉल्ट देना पड़ता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो 1-2 दिन में डिलीवरी दे देता है, 2-3 दिन जितना भी टाइम लगेगा, उसके बाद 1 दिन नेक्स्ट डे आके वो लोग इंस्टॉलेशन कर देते हैं। और आप लोग को कैसे नमक दिया जाता है, सॉल्ट जो दिया जाता है, वो लोग आप लोग को पूरा बता देंगे, ऐसे ऐसे दिया जाता है। और उसके बाद जो और कुछ नहीं है, आप नॉर्मली किस टैप से आप लोग कनेक्शन करना चाहते हैं बताने से वो लोग कर देंगे, फिर आप वो पानी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको हेयर वॉश करना है, ऐसा नहीं कि हेयर वॉश करना है, वो पानी में आप लोग नहा भी सकते हैं। पानी को थोड़ा सॉफ्ट करता है, जैसे यहाँ में, यहाँ जो कोलकाता में पानी इतना अच्छा नहीं होता है, बहुत सारा जगह में पानी ख़राब होता है, रेयर जो है अच्छा होता है। हम लोग का तो पहले वाला जो वॉशिंग मशीन था उसमें भी सॉफ्टनर लगा हुआ था, क्योंकि वो पानी को थोड़ा ये करके कपड़ा साफ होगा, गंदा पानी जो है इतना नहीं आता है, पानी जब वॉशिंग मशीन में आता है तो सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा, इसलिए सॉफ्टनर लगाए थे पहला वाला वॉशिंग मशीन में। नया में नहीं लगा है, क्योंकि ऐसा तो ये 17-16 हज़ार या कुछ लग गया, 15-16 हज़ार, और वो सॉफ्टनर का प्राइस 3 हज़ार था।
और इसलिए छोड़ दिया, बोले नहीं लगाएंगे अभी, बाद में देखेंगे। तो वाटर, हाँ जो कैन का वाटर सपना है, चलिए मैं अभी आप लोगों को वहाँ पे लेके जाती हूँ, वो वीडियो पे देखते हैं। तो गाइज, अगर आज का ये ब्लॉग सब लोग को अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप खरीदना चाहते हैं ये प्रोडक्ट को, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जो है इसको मैं 1 साल यूज़ करने का बाद ही वीडियो बना रही हूँ, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जिनका हेयर वॉश हेयर फॉल हो रहा है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। हम लोग का तो अभी, मैं अपना बात बोल रही हूँ, मेरा तो ठीक हो गया। मेरा हस्बैंड का इतना हेयर फॉल होता नहीं है, और मेरा बहन का जो है उसका थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता है, अभी तो उसका प्रेगनेंसी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। और तो गाइज, अगर आप ख़रीदना चाहेंगे तो मैं अमेजन से ख़रीदी थी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप ख़रीद सकते हैं। तो गाइज, फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू ब्लॉग्स में। थैंक यू सो मच।